अब क्योंकि गाड़ी नीचे से सांस लेती थी, यहाँ साइड से सांस लेती थी, अब इसका सांस लेने की प्रक्रिया ऊपर हो चुकी है। हमें कुली 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 कुली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई ये है अपना सामान जिप्सी का। ऑलराइट, इट्स अ मिस्ट्री बॉक्स। इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और क्या है इसके अंदर, इसका फिटमेंट भी करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं जिप्सी वाले ब्लॉग्स को, इनके ब्लॉग्स को स्पेशली। और ख़ास बात यह है कि जिप्सी की मॉडिफिकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं जिप्सी की मॉडिफिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पैकेज की अनबॉक्सिंग होगी, क्या है इसमें सब कुछ आप सभी को बताएंगे। चलते हैं गैराज जहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन भी करेंगे। चलिए इसको। मॉडिफिकेशन आप करा रहे हैं तो उसमें बहुत महंगे पार्ट्स भी आते हैं, बहुत सस्ते भी आते हैं, मीडियम रेंज भी आती है। तो मेरा मोटिव है कि एक चीप एंड बेस्ट कैटेगरी मैं सिलेक्ट करूं, जिससे जो मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिप्सी ओन करते हैं, उनको भी एक अच्छा मैसेज मिल पाए, ताकि हम लोग चीप एंड बेस्ट में क्या जिप्सी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज, स्टेप वाइज। या तो इसका जो मॉडिफिकेशन का है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बॉक्स जो मिस्ट्री बॉक्स था, इसमें है गाड़ी का स्नॉर्कल। ये बम्बल बी का स्नॉर्कल है, इम्पोर्टेड है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया हुआ है। कहाँ से मंगाया पूरी डिटेल मैं इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा नीचे। जो जैसे कि मैंने बताया है कि जो उसका जिप्सी का मॉडिफिकेशन काम होना, ये स्टेप बाई स्टेप होगा। जो गाड़ी के काम जो पार्ट्स हैं वो प्रायोरिटी बेसिस में मंगाता रहूँगा। फिलहाल अभी स्नॉर्कल आया हुआ है। ये इसका स्नॉकल हो गया है ना, और साथ में इसकी क्लिप्स होंगी, कनेक्टर भी होगा ये साथ में। हाँ ठीक ठीक, ये हो सकता। तो ये हो सकता है कि आप सभी के मन में सवाल ये आ रहा हो कि गाड़ी में स्नॉकल की क्या ज़रूरत होती है, क्या स्नॉकल सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है, ये गाड़ी को बल्कि लुक देने के लिए? ऐसा नहीं है। स्नॉकल के बहुत ही परफॉर्मेंस वाइज भी फ़ायदे हैं। होता क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो गाड़ी का एयर फिल्टर होता है, जिप्सी का एयर फिल्टर है, वो आपका ये होता है, राइट। तो एयर इनटेक जो रहती है गाड़ी की जिप्सी की, वो इधर ही इसी आपके इसी सेक्शन से यहाँ से थ्रू रहती है। आपका एयर फिल्टर लगा हुआ डायरेक्ट इंजन में जाता है, राइट। तो हम जब भी गाड़ी से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, राइट, ऑफ रोडिंग क्या होता है, गाड़ी पानी में भी जाती है, तो आप सभी इसका नॉलेज रखते ही होंगे। जब गाड़ी पानी में जाएगी तो गाड़ी की लिमिट यहाँ तक आती है, क्योंकि जैसे ही अगर गाड़ी ने हवा की जगह पानी ले लिया तो आपका इंजन सीज हो जाएगा। उससे क्या होता है, एयर जो स्नॉर्कल लगेगा, स्नॉर्कल डायरेक्ट फिटमेंट आपका यहाँ तक आएगा। ये स्नॉर्कल की फिटमेंट इस तरीके से रहेगा, तो जो रीच हो जाएगा पानी का, तो यहाँ से सेक्शन से हटके यहाँ तक हो जाएगा। तो आप जो रीच रख सकते हैं पानी का, वो यहाँ तक आपकी गाड़ी डूब सकती है। ये एक फ़ायदा है। दूसरा क्या होता है कि जब जो गाड़ी एयर, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, है ना, अगर हम लोग किसी बड़े ही क्लस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में भी गर्म गर्म सांस लें, हम लोग को भी लगता है बड़ा सफोकेशन हो रहा है। तो जब इंजन का मूवमेंट इधर ही है, इंजन का सेक्शन इधर ही है, तो यहाँ से पूरी गर्म हवा हीटअप होती है। अब वही इंजन गर्म गर्म हवा लेता है। स्नॉर्कल से फ़ायदा क्या होता है कि जब आपका सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसका माउथ यहाँ पे रहेगा, तो फ्रेश एयर इंटेक लेगा, उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ थर्ड फायदा क्या होता है, गाड़ी को थोड़ा बल्की लुक रहता है। गाड़ी दूर से ही दिखती है, स्नॉर्कल लगा हुआ है तो मतलब गाड़ी मॉडिफाइड है। ये तो मेरे मन में था कि आप, हो सकता है कि आपके मन में भी ये डाउट हो, तो उसको क्लियर करते हैं। तो स्नॉर्कल की फिटिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये जो स्टिकर है, ये आपको पैकेज में ही मिलता है। इससे क्या है, आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे होल्स होने हैं,
ये यहाँ पे ड्रिल होगा जहाँ से स्नॉर्कल का सेक्शन अंदर घुसेगा, और ये पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको ड्रिल करके उसका आप कब्जा उसके लगाएंगे, राइट। और दूसरा है ये फर्स्ट स्टेप तो ये होगा, इसकी कटिंग हो जाएगी ताकि पता चल जाए स्नॉर्कल की फिटिंग अंदर से होनी है। दूसरा ये है, थोड़ा पास आइए, ये एयर फिल्टर के साथ में जो सेक्शन दिए गए ये अभी स्टॉक के हैं, ये सब हटने के बाद जो पैकेज में मिला हुआ है स्नॉर्कल के वो लगाया जाएगा। तो पहले इसकी कटिंग करवाते हैं, उसके बाद आपको स्टेप बाई स्टेप बताते हैं। तो यार सीन ये हो रहा है कि इसका जो स्नॉर्कल का जो ये वाला हिस्सा है, ओके, हम लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इतना पोर्शन अंदर जाएगा क्योंकि जो क्लिप्स हैं, क्योंकि ये सेक्शन इन्होंने इतना दिया हुआ है ना, लेकिन जो क्लिप्स इसके साथ जो दी गई हैं वो बहुत छोटी हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतना एरिया नहीं, ये बल्कि इतना पूरा अंदर जाएगा ताकि पूरी स्नक फिट रहे, क्योंकि जाद में साथ में जो बुल्ट दिए गए हैं उनके बड़े शॉर्ट हैं। इसका मतलब यही है कि ये पूरा अंदर तक जाएगा। जितने इसमें होल थे, ये 5 होल सेक्शन थे, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसकी नीचे इसका पैरेलल के लिए, और यहाँ पे ये रिपेट वाला था, ये भी फिक्स हो गया है। और इसका ये जो सेक्शन वाला होल था जो मैंने बताया था कि पूरा जो सेक्शन अंदर तक जाना, ये पूरा होल हो गया। इसको फिट करने जा रहे हैं, कर दो भैया फिट इसको। ये देखिए कितना स्नक फिट हो रहा है, ये पूरा स्नक फिट हो गया है, पूरा एकदम बैरल, और इसके अंदर से पूरे पेंच कस के टाइट कर दिया जाएगा। तो उसकी स्नॉर्कल की फिटिंग पूरी हो गई है, जहाँ जहाँ सेक्शन थे इसके। इसका हब भी अभी ये है, अभी इसको लास्ट में लगाएंगे क्योंकि ये भी साथ में इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जो एयर फिल्टर वाला है, एयर फिल्टर के साथ जो कनेक्टर जो स्टॉक जो आता था, स्टॉक वाला इधर से पूरा राउंड होकर पाइप जाता जो मैंने लास्ट में दिखाया था, अभी क्या होगा, अभी सिस्टम ये बनेगा कि ये वाला इसके साथ ही पैकेज में ही है, जो स्नॉर्कल का जो पैकेज था ये इधर फिट हो जाएगा, और ये डायरेक्ट जो स्टॉक का जो एयर फिल्टर बॉक्स है ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो बड़ा ईजी हो जाएगा इससे। अब ऐसे फिटिंग होती है वो आपको दिखाते हैं। इसको पहले साफ़ कर देते यार। हाँ, इसको साफ कर दो, है ना, इसको पहले साफ़ कर दो, बॉक्स भी साफ़ हो जाए, इसके बाद लगा दो। तो इसका एयर फिल्टर भी जो है कि उसको क्लीन करा दे रहे हैं, जो एयर फिल्टर बॉक्स है वो भी क्लीन हो जाएगा। एयर फिल्टर हालांकि थोड़ा साफ़ है, लेकिन है एक बार उससे साफ़ हो जाएगा, निकाल के एक बार साफ़ कर ही लो इसको। एयर फिल्टर भी इसका क्लीन हो जा रहा है, उसकी थ्रॉटल बॉडी भी खुलवा के थोड़ी क्लीन करा दे रहा है। इसका जो ऊपर जो माउथ है इसकी भी ओरिंग है, ये भी इसमें टाइट हो जाएगी ताकि ये भी पूरा स्नग फिट हो जाएगा। क्योंकि स्नॉर्कल की फिटिंग इसमें कराई हुई है तो एयर फिल्टर तो क्लीन हो ही रहा है, साथ में इसकी थ्रॉटल बॉडी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो थ्रॉटल बॉडी भी साफ कर देते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन जमा हुआ है, इस साइड से देख रहे हैं, ये सारा कार्बन इसमें स्टोर है। तो गाड़ी का स्नॉर्कल पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि गाड़ी में स्टार्टिंग से कैसे कैसे हमने स्नॉर्कल फिट किया। सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे जो इसके लिए हब जो ओपन करना था, यहाँ से सेक्शन वो कट किया, जितने भी ड्रिलिंग होल्स थे जहाँ से वो नट उसके टाइट होने थे वो होल कट किए, उसके बाद इसकी फिटिंग करी। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ से जो स्टॉक का जो एयर फिल्टर के जो इसके कंपोनेंट्स आते हैं उसको हटा के जो किट में आई था ये वाला पाइप, इसको कनेक्ट किया
और साथ में इसका जो स्टार्टिंग का जो मशरूम कट जिसको बोलते हैं मशरूम मशरूम हेड, ये इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने एयर फिल्टर खोला ही था, तो साथ ही साथ इसका जो थ्रॉटल बॉडी थी वो भी क्लीन हो गई। सुनने में बड़ा कम लगा होगा, लेकिन ये बड़ी ही लंबी प्रोसेस थी, क्योंकि जो कटिंग जो सेगमेंट्स उसके होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। तो एक्चुअल में जो उसके लिए पूरी स्नक फिट जो हमको चाहिए, जैसे पास आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी पूरी स्नक फिट हुई है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे कोई भी टेढ़ा मेढ़ा फिटिंग हुई है, और बहुत ही स्टर्डी फिटिंग है इसकी। ऐसा नहीं है कहीं से भी लूज हो, चाहे वो ऊपर मशरूम हेड से हो चाहे वो नीचे से हो। तो अभी गाड़ी को करते हैं फायर अप और देखते हैं कि क्योंकि गाड़ी नीचे से सांस लेती थी, यहाँ साइड से सांस लेती थी, अब इसका सांस लेने की प्रक्रिया ऊपर हो चुकी है। वैसे थोड़ा थोड़ा जैसे एयर वैक्यूम जो है वैक्यूम क्लीनर की जैसे काम करता है ना, वैसे ही लग रहा है। ठीक, बंद कर देते हैं। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं और इसका एक रनवे करके देखते हैं कि कैसा इसका लुक आ रहा है। आप लोग भी देखिए, यार तो जिप्सी के स्नॉर्कल की फ़िटिंग हो चुकी है कंप्लीट। पूरी प्रोसेस के बारे में भी मैंने आपको बताया, किस क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पूरा मैंने रॉ वीडियो रखा है, क्योंकि जब मैं वीडियोस देखता था कि जिप्सी में स्नॉर्कल कैसे फिट होना है, तो मुझे कहीं भी एक कंप्लीट पैकेज नहीं मिला। मैं हरदम कन्फ्यूज़ रहता था कि कौन सा पार्ट स्नॉर्कल किट के साथ आता है, कौन सा पार्ट नहीं आता है। तो मैंने कोशिश करी है जितना ज़्यादा मैं फेयर रख पाऊँ वीडियो, मैंने उतना फेयर रखा है। और अब समय है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड स्नॉर्कल फिटिंग करने में भी बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अब टाइम हो चुका है कि वीडियो को एंड करने का। गाइस, जिप्सी की मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं जिप्सी से ही रिलेटेड नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वीडियो में। बाय बाय।